सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दो प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। पहला प्रॉब्लम जो आप लोगों को देखने को मिलता है गेम में कि पिंग हाई हो जाता है। जी हाँ गाइज, पिंग हाई हो जाता है, उसके प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। गेम में ही ऐसा सेटिंग दिया गया है जिससे आप लोगों का पिंग कभी हाई होगा ही नहीं, पहला प्रॉब्लम है हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो गया लैग का प्रॉब्लम। आप लोगों का फ़ोन अगर जो लैग करता है तो उसका भी सेटिंग जो है दिया गया है फ़ोन में ही गाइज, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ क्या कुछ सेटिंग करना है जिससे आप लोगों का फ़ोन कभी लैग ही ना करे। तो गाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देते हैं आप लोगों को डिटेल। गाइस चलते हैं सेटिंग के आइकन पे, आइकन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आप लोगों को जो है काफी ओपी सेटिंग देखने को मिल जाएगा जिससे आप लोगों का फोन बिल्कुल लैग नहीं यहां पे करने वाला। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो ध्यान से गाइस देखिएगा कैसे क्या इसका यूजेज है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहां पे तीन सेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए जो है ब्राउजर करके दिया गया, दूसरा दिया गया रिपोर्ट नेटवर्क इशूज़। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सेटिंग, इसके बाद में दिया गया है चैट ब्लैकलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट से शुरू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का दिया गया है यहाँ पे देखिए ब्राउजर है। ठीक है, तो ब्राउजर के बाद जो है एक और सेटिंग के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। जो है यहाँ पर देखिए ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड जो है रिसोर्स। ठीक है, तो इसका भी यूजेज काफ़ी बढ़िया है। ये जो निकल के आता है लैग प्रॉब्लम से निकल के आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं लेकिन लैग प्रॉब्लम से सेटिंग निकल के आता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ठीक है, आगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्राउजर के बारे में। तो दोस्तों ब्राउजर से क्या होता है कि ये ब्राउजर सेटिंग ऐसा है कि जब आप लोग क्या करते हो, गेम जैसे मान लिया आप लोग खेल रहे हो, तो क्या होता है कभी कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है जिसको हम लोग शेयर करते हैं तो वो जाके क्रोम पे खुलता है। ठीक है, वो इवेंट वहाँ से कुछ कंप्लीट करना होता है, तो इसको क्या करना होगा कि आप लोगों को बार बार इस चीज़ को जो है यहाँ पर क्लियर चेस, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्लियर चेस लिखा गया है, इस पर आप लोगों को हमेशा क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का फ़ोन पहली बार लैग नहीं करेगा, दूसरी बार नेटवर्क आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा, पिंग कभी हाई नहीं होगा, इससे ये चीज होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखिए सेटिंग, सेकंड नंबर पे जो सेटिंग है वो है रिपोर्ट नेटवर्क इश्यूज। ठीक है, अब ये सीन क्या है, इसमें देखिए आप लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी भी यहां पे दिया गया है, देखिए यहां पर लिखा गया है, तो चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं। तो देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहां पर दिया गया है कि फॉर ए स्मूथर्स गेमिंग एक्सपीरियंस यू कैन रिपोर्ट नेटवर्क इश्यूज एंड विल बी असिस्टेंट यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अगर जो आप लोग का पिंग सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहां से रिपोर्ट कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग यहां से रिपोर्ट कर सकते हो। देखिए सेंड जो है रिपोर्ट लिखा गया है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर एरो के जैसा घूम रहा है, अभी देखिए यहां पे क्या होगा कि चला जाएगा यहां से, देखिए रिपोर्ट यहां पे देखिए लिख चुका है रिपोर्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां से जो है फीडबैक चल गया, डायरेक्ट फीडबैक जाता है गरेना के पास और देखेगा कि नेटवर्क हम लोगों का क्यों नहीं चल रहा है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग हम लोगों को पिंग से लेकर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं डिटेल्स आप लोगों को दे दिया। सो दोस्तों अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ये लास्ट वाले सेटिंग के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है चैट ब्लैकलिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप लोग कोई चैट किसी से करते हो, ठीक है, यहाँ से चैट करते हो, देखिए यहाँ पर मैसेज बॉक्स दिया गया है, किसी भी फ्रेंड से आप लोग अगर जो यहाँ से चैट करोगे कोई भी फ्रेंड का हो गया, तो इसको ब्लॉक लिस्ट में आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इसको डाल के फिर यहाँ से निकाल सकते हो, जो यहाँ पर सेटिंग दिया गया है यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर इसके सामने आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो इसके सामने आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा नीचे के साइड में, देखिए चैट ब्लॉक लिस्ट का। तो इस पर जब हम लोग करेंगे क्लिक, अभी देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक भी नाम नहीं दिखाई दे रहा, जब ब्लॉक लिस्ट में आप लोग डालोगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा और उसको ब्लॉक लिस्ट से निकाल सकते हो। तो ऐसा कुछ इसका सेटिंग है, तो इसका नेटवर्क वगैरह से तो कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जो ऊपर का साइड यहाँ पर दिया गया है देखिए ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्स, जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो यहां पे क्या है ऑन ऑफ का यहां पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑफ है ऑन है। इसका क्या मतलब है कि अगर जो इसको आप लोग ऑन करके रखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोगों का जो यहां पे देखिए जो यहां डाउनलोड सेंटर होता है, देखिए यहां पे जो दिया गया है डाउनलोड सेंटर, ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे कोई चीज जो डाउनलोड नहीं हुआ, देखिए काफी चीज मेरा डाउनलोड नहीं है यहां पे, तो यह चीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, जब इसको मैं ऑन करके रखूंगा, देखिए मैंने ऑफ करके रखा है, और अगर जो इसको ऑफ कर दूंगा तो जब मैं वहां पर डाउनलोड करना चाहूंगा डाउनलोड सेंटर से तभी कुछ चीजें डाउनलोड होगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब कम चीज डाउनलोड करके रखोगे तो आप लोग का फ्री फायर लैग नहीं करेगा, लैग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपका जरूरत है, जो भी
मैप का जरूरत है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो देखिए मेरा कुछ जैसे इक्विपमेंट आइटम जो है न्यू पैच की मुझे उतना ज़रूरत नहीं है, आल आइटम में मैंने भी उतना नहीं डाउनलोड किया। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी डाउनलोड करना है देखिए, जैसे कि जो भी यहाँ पे खेलना है आप लोगों को मोड वगैरह उसको डाउनलोड करके रखिए, बाकी यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। मैप में जो भी खेलना है रखिए उसको डिलीट कर दीजिए, इसके बाद में स्पेशल मैप्स में जो खेलना है उसी को रखिए और डिलीट कर दीजिए। इवेंट में जो चाहिए वही सब रखिए, इसके बाद में और डिलीट करके रखेंगे तो आपका गेम काफ़ी स्मूथ चलेगा और जो है लैग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और पिंग भी काफ़ी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेटिंग है। तो गाइज मैंने सब कुछ सेटिंग का डिटेल्स आप लोगों को दे दिया और बता दिया क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर रखना है, कैसे क्या करना है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल के आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फाइनली गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।